वालेकुम आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जा रहे हैं खुश रहें शादो आबाद रहें हंसते मुस्कुराते रहें मैं आपको सुनाने लगी हूँ एडवोकेट मिर्सा अमजद बेग की एक और क्राइम स्टोरी जिसका नाम है दोस्त दुश्मन तो चलें शुरू करते हैं नाश्ते के दौरान सुबह के अखबार को मैं सरसरी अंदाज में देख लिया करता हूँ मेरे पेशे की मसरूफ़ीत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं फ़ुर्सत से बैठ कर अखबार की एक एक सतर चाटता रहूँ मेरे ख्याल में अपने काम और मतलब की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा पंद्रह मिनट में भुगताया जा सकता है यानी इधर नाश्ता ख़त्म इधर अखबार साफ़ उस रोज़ भी मैं नाश्ते की मेज़ पर बैठा अखबार का मताल कर रहा था कि खबर ने मेरी तवज्जो अपनी जानब मबसूल कर ली बात अखबार में आवाम की दिलचस्पी हासिल करने के लिए बड़े अनोखे रंग ढंग से खबर लगाई जाती है मैंने अभी जिस खबर का जिक्र किया है उसका मतन कुछ यूँ था एक बिजनेसमैन मैन ने अपने स्लीपिंग पार्टनर को अब्दी नींद सला दिया मैंने इस खबर की तफसी में जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वहाँ कोई खास बात नहीं थी दो अफराद ने जो कि आपस में दोस्त भी थे मिलकर एक बिजनेस शुरू किया था और कुछ अर्से के बाद एक पार्टनर की मौत वाक्य हो गई थी ये मौत कत्ल की सूरत में सामने आई थी इस बिजनेस में मौत को गले लगाने वाले शख्स की हैसियत स्लीपिंग पार्टनर की थी लहाजा पुलिस ने पहली फुर्सत में बेदार पार्टनर को इस कतल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था इस नोयत की खबरें आए दिन अखबार की जीनत बनती रहती हैं जो लोगों को सनसनी के अलावा तफरी के मौाक़ भी फराम करती हैं मैंने अखबार को एक तरफ रखा और जल्दी से तैयार होकर अदालत चला गया बाज़ात और मामला ऐसे होते हैं बज़ा जिनसे पीछा छुड़ा कर हम आगे बढ़ जाते हैं लेकिन वो हमारा पीछा छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं देते और नहायत ही खामोशी से ताकब करते हुए अचानक हमारे सामने आ खड़े होते हैं स्लीपिंग पार्टनर के कत्ल वाला मामला भी कुछ इसी किस्म का था उसी शाम में अपने दफ्तर में बैठा रोज़मर्रा के अमूर निपटा रहा था कि मेरी सेक्रेटरी फोजिया ने इंटरकॉम पर मुझे बताया बेग साहब बेगम सरीना आपसे मिलने आई हैं क्या उनका अपॉइंटमेंट है अपॉइंटमेंट तो नहीं है सर फिर सर वो खासी परेशान दिखाई देती हैं विजिटिंग लॉबी की क्या पोजीशन है बेग साहब लॉबी में इस वक्त सिर्फ वही बैठी हुई हैं तुम्हारा मतलब है बेगम सरीना यस सर क्या आज के तमाम अपॉइंटमेंट्स निमट गए दो क्लाइंट्स ने फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाई है उनमें से एक कल और दूसरा परसों आएगा आज की के अपॉइंटमेंट्स के मुताबिक आखिरी क्लाइंट इस वक्त आपके चैम्बर में मौजूद है ठीक है मैं जैसी मस्कुरा क्लाइंट को फारिग करूं तुम बेगम सरीना को मेरे चैम्बर में भेज देना ओके सर मैंने इंटरकॉम काम का सीवर रख दिया पंद्रह मिनट के बाद फौजिया ने तीन अफ़राद को मेरे पास भेज दिया उनमें एक औरत एक नौजवान मर्द और एक अधेड़ उम्र शख्स था इंटरकॉम पर बात करते हुए फौजिया ने मुझे सिर्फ़ बेगम सरीना के बारे में बताया था वो औरत यकी बेगम सरीना थी जबकि बाकी ज़ायरे उसके साथी होंगे मैंने पेशावराना मुस्कुराहट से उनका इस्तकबाल किया और अपनी मेज़ की दूसरी जाने बिछी कुर्सियों की तरफ इशारा किया वो बैठकर रस्मिया लेख के बाद मैंने उनकी आमद की गर्ज खाए दरियाफ्त की औरत ने अधेड़ उमर मर्द की तरफ देखा जैसे वो उससे बात शुरू करने के लिए कह रही रही हो मात ने अपनी साथी औरत की निगाह का मफहूम समझ लिया और मुझसे मुखातिब होते हुए बोला मिर्जा साहब मेरा नाम अकमल खटक है मैं गुलशन इकबाल में रहता हूं और तारिक रोड पर मेरा एक छोटा सा फास्ट फूड रेस्टोरेंट है फिर उसने अपनी हमराही अफराद की तरफ बारी बारी इशारा करते हुए उनका तारफ़ कराया ये मेरी भाभी जरीना है और इनके साथ इनका बेटा उमेर बैठा है हमें नजमी साहब ने आपके पास भेजा है बात ख़त्म करती उसने एक विजिटिंग कार्ड निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया मैंने उसे हाथ में लेकर देखा और फौरन पहचान गया ये कार्ड मेरे एक आरिफ नजमी का था जो सुबह के एक मारूफ अखबार का रिपोर्टर था मस्कुरा कार्ड के नीचे नजमी साहब ने मेरे लिए सतरें लिखी थी बेग साहब अकमल खटक से मेरे दोस्ताना ताल्लक़ हैं इनके बड़े भाई अजमल खटक कत्ल के एक केस में फंस गए हैं मैं अजमल साहब को भी अच्छी तरह जानता हूँ इन्हें कानूनी मदद की ज़रूरत है नजमी नजमी के ये अल्फाज मेरे लिए काफ़ी थे उन लोगों की कानूनी मदद करना मुझ पर लाज़िम था नजमी ने उन्हें जानने का जो हवाला दिया था इसका वाज मतलब यही था कि अजमल खटक का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं था बदकस्मती ने उसे इस चक्कर में फंसा दिया था मैंने नचमी के विजिटिंग कार्ड को मेज़ पर रखा और इंटरकॉम उठाकर तीन कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए कह दिया फिर अकमल खटक की तरफ मतवज होते हुए कहा खटक साहब आपने अपना तारफ तो करा दिया अब यह भी बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ इस केस की तफसील बताएं जिसमें आपका भाई फंस गया मिर्जा साहब आज के तमाम अखबार में इस वाक़े की खबरें मौजूद हैं ये ख़बर तो आपकी नज़र से गुजरी होगी कि एक बिजनेसमैन मैन ने अपने स्लीपिंग पार्टनर हाँ हाँ मैंने ये ख़बर पढ़ी है जिसमें बिज़नेस पार्टनर को अबदी नींद सुलाने का जिक्र था अल्लाह आपका भला करे मिर्जा साहब मैं इसी ख़बर की बात कर रहा हूँ अब मैं आपको इसके बारे में तफ़सील बताता हूँ ठीक है आपके हालात से आगाही के बाद ही मैं किसी मुनासिब कार्रवाई के बारे में फ़ैसला कर सकूँगा मिर्जा साहब भाई साहब की मुसीबत की कहानी ख़ासी तवील है आप सुनते सुनते बोर तो नहीं हो जाएंगे हरगिज़ नहीं अगर मैं अपने क्लाइंट्स के मसाइल सुनकर बोर होने लगूँ तो फिर उन्हें इंसाफ कैसे फरहम कर सकूँगा हटक साहब आप बेफिक्र होकर अपने भाई साहब के हालात से मुझे आगाह करें शुक्रिया मिर्जा साहब आइंदा 20-25 मिनट में अकबल हटक ने मुझे अपने भाई के बारे में जो कुछ बताया मैं उसका खुलासा यहाँ पर पेश कर रहा हूँ ताकि आप इस केस के फंसे मंजर से अच्छी तरह वाकफियत हासिल कर लें इन में से कुछ बातें मुझे बाद में पता चली थी लेकिन वाक़ की तरतीब के पेश नज़र मैंने उन्हें भी शामिल कर लिया है अजमल खटक एक पढ़ा लिखा और महजब शख्स था उसकी उम्र पचपन के आस पास रही होगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस से वस्ता था और इस कारोबार को जदीद बुनियादों पर बड़े नसम से चला रहा था सदर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में उसने अपना एक आलिशान ऑफ़िस बना रखा था आप भी सोच रहे होंगे कि सदर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और आलिशान ऑफ़िस जी हाँ यही सूरत हाल थी दरअसल अजमल खटक फ्रिज और टीवी वगैरह के काम से ताल्लुक़ नहीं रखता था ना ही ऐसे किसी और बरकी आलात की फ़रोख्त से उसका वास्ता था वो स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस से मुंसलिक था वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक मंगवा कर यहाँ फरोख्त करता था वो ख़ुद भी फ्रांस जर्मनी सिंगापुर थाईलैंड हॉन्ग और यूरोप और जनूबी एशिया के दीगर मुल्कों के कारोबारी दौरे करता था और उसके बाद एजेंट भी ये काम किया करते थे उस ज़माने में खेप के काम का अभी आहाज ही हुआ था इससे व्यवस्था खेपी सिंगापुर हांगकांग और बैंकॉक वगैरह के कबाड़खानों में तलाश माश में मसरूफ रहते थे और वहाँ से काम की बहुत सी अशिया बरामद करने में कामयाब हो जाते थे जो बाद अजा वो अपने सामान में रख कर पाकिस्तान ले आया करते थे यूरोप और दीगर तरक् याफ्तः ममालिक में जायदल ममियाद अशिया को इस्तेमाल में नहीं रखा जाता उन्हें डिस्पोज कर दिया जाता है इस तरह ये अशिया काठ कबाड़ की सूरत अख्तियार करके जंक यार्ड में पहुँच जाती हैं ये जंक यार्ड ही दरअसल पाकिस्तानी खेपियों की नज़र में अहम हुआ करते थे वो अमले के अफराद से अलेक्स लेख करके वहाँ घुसने की राह बना लिया करते थे जंक यार्ड वालों का तो बोझ ही हल्का होता था क्योंकि उन्होंने इसकाठ कबाड़ का को बल आखिर ठिकाने लगाना होता था ताहम खेपी ढूंढ ढांड कर अपने मतलब की चीज़ें बरामद कर लिया करते थे जिनमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक के स्पेयर पार्ट्स हुआ करते थे इन खेपियों के मराकज़ निगाह अमूमा सिंगापुर बैंकॉक और हॉन्ग थे यूरोप के दौरे अजमल खटक खुद करता था और मुख्तल कंपनियों से बाकायदा ऑर्डर पर माल मंगवाता था इस तरह उसका पर्दा कायम था कि वो एक रजिस्टर्ड इम्पोर्टर है इसी पर्दे के पीछे वो खेपियों से ख़रीदा हुआ माल भी दीदा पैकिंग के बाद बासानी खपा दिया करता था जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि सदर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अजमल खटक का एक शानदार ऑफिस था उसने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की एक बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर तीन बड़े कमरे ले रखे थे जिनमें से एक बतौर दफ्तर इस्तेमाल होता था दूसरे में स्पेयर पार्टस शीशे के खूबसूरत डब्बों में डिस्प्ले के लिए रखे गए थे और तीसरा कमरा कारीगरों के काम के लिए था जो वहाँ मुख्तलिफ नोयीत के काम करते थे जिनमें रिपेयरिंग और पैकिंग वगैरह शामिल था अजमल खटिक खटक को मुख्तलिफ इदारों और कंपनियों की जानब से सप्लाई के जो भी ऑर्डर्स मिलते थे उनकी पैकिंग वगैरह ऑफिस के इसी कमरे में होती थी उसके पास चार माहिर मुलाजिम काम करते थे अजमल खटक का ये बिज़नेस बड़े ठाट पाठ से चल रहा था उसके पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं थी बात तो उसे मतलूबा सप्लाई फ्राहम करने में दिन रात काम करना पड़ता था जब बिज़नेस इस नोयीत का हो तो ज़ाहिर है इंसान के पास रुपए, पैसे की भी कोई कमी नहीं होती कुदरत अजमल खटक पर पूरी तरह मेहरबान थी वो डिफेंस सोसाइटी के फेज टू में रिहाइ पजीर था अल्लाह ने उसे एक वफ़ादार बीवी और तीन बेटे अता कर रखे थे जिनमें से सबसे बड़ा उमेर 20 साल का इससे छोटे जीशान की उम्र लगभग 12 साल थी जबकि सबसे छोटा असद आठवें साल में था अजमल की बीवी जरीना बेगम एक संजीदा और पुरकशिश औरत थी जिंदगी बड़े मज़े से गुजर रही थी कि क्रॉस अजमल खटक को अपने बिजनेस पार्टनर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया मकतूल का नाम रईस था और इनकी पार्टनरशिप को लगभग एक साल हो गया था अजमल खटक को पार्टनरशिप की जरूरत इमरजेंसी की सूरत में पेश आई थी और दूसरी जानब मकतूल रईस भी हालात के हाथों ऐसा बेबस और मजबूर हो चुका था दोनों का मिलाप बड़ी आसानी से हो गया रईस और अजमल खटक की खासी पुरानी जान पहचान थी राइस की सदर ही के इलाके में ज्वेलरी की एक छोटी सी दुकान थी जिस पर अचानक जवाल सा आ गया और धंधा रफ्ता रफ्ता खत्म होने लगा अजमल को रईस के हालात का इल्म था कभी अजमल खटक उसकी दुकान पर चला जाता और कभी रईस उसके ऑफिस का चक्कर लगा लिया करता था एक रोज रईस सख्त परेशानी के आलम में अजमल खटक के पास पहुंचा अजमल ने रसमिया लेख के बाद उससे पूछा क्या बात है यार आज तो तुम कुछ ज्यादा ही उलझे हुए नजर आ रहे हो ये तो तुम्हारे दुकान पर बैठने का वक्त है मैंने आज दुकान नहीं खोली मैं घर से सीधा तुम्हारी तर, तर, तरफ आया हूँ दुकान नहीं खोली क्या मतलब बस यार दिल नहीं चाह रहा यार खटक मैं बड़े ख़तरनाक हालात से दो चार हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ कहाँ जाऊँ नई बीवी ने तंग कर रखा है अजमल ने मेरी अंदाज में पूछा कुछ ऐसी भी बात है कुछ ऐसी भी इसका क्या मतलब मैं तो अभी तक यही समझ रहा था कि तुम अपने कारोबारी हालात की वजह से परेशान हो यह तो वही मामला निकला कि दो कश्तियों का सवार अजमल अच्छा। खटक ने मैंने अंदाज में, में जुमला अधूरा छोड़ा तो रईस जल्दी से बोला मामला दो तरफ़ा है यार दो तरफ़ा हाँ खटक एक तरफ तो शेला की वजह से मैं बहुत उलझा हुआ हूँ और दूसरी जानेब कारोबार बड़ी तेज़ी से डूब रहा है शेला रईस की दूसरी बीवी का नाम था लगभग छः माह पहले उसने शेला से शादी की थी और इसके बाद ही कारोबार बिताद्रीज डाउन जा रहा था रईस की पहली बीवी का नाम फरीदा था फरीदा रईस के दो बच्चों की मां थी बेटे इमरान की उम्र पंद्रह साल और इससे छोटी बेटी शाजिया की उम्र कमो बेश दस साल थी फरीदा और ये दोनों बच्चे जहांगीर रोड पर रहते थे जबकि रईस ने शहला को बिल्कुल अलग थलग रखा हुआ था शहला सोल्जर बाजार के एक फ्लैट में रहती थी राइस की तवज्जो दोनों घरों पर बराबर ही थी ताहम ज्यादा झुकाव उसका शहला की जानब था उसने हफ्ते में दिन मुकर्र कर रखे थे कि कब वो शैला के साथ रात गुसारेगा और कब फरीदा के हमरा दोनों बीवियां अपनी अपनी जगह उसकी इस रोटीन से मुतमय थी या नहीं अलबत्त रईस दूसरी शादी के बाद मुस्तकिल एक फेर में आया हुआ था हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज्यादा खराब जा रहा था हटक ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा मैं देख रहा हूँ जब से तुमने दूसरी शादी की है मसाइल ने तुम्हारे साथ दोस्ती गांठ ली है क्या तुमने अपने क्राइसिस की वजूहत पर गौर नहीं किया हौर किया भी है और कराया भी है और मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं जो तुम्हारा ख्याल है हटक यक उसे देखता चला गया वह दर हकीकत रईस की बात को समझ नहीं सका था उसने धीमे लहजे में पूछा तुमने सुबह नाश्ता तो किया है ना हाँ नाश्ता तो मैं करके ही घर से निकला अजमल ने अपने एक मुलाजिम को ऑफिस में बुलाकर चाय और केक लाने का हुक्म दिया फिर रईस की तरफ मतव्य हुआ यार रईस सच पूछो तो तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी कौन सी बात यही कि तुमने अपने हालात पर गौर किया भी है और कराया भी है और ये कि तुम भी इसी नतीजे पर पहुँचे हो जो मेरा ख़्याल है तुम्हारा इस बात का क्या मतलब अच्छा तो तुम इसमें उलझे हुए हो यार खटक मैं दरअसल कल उस्ताद फिदा के पास गया था कौन उस्ताद फिदा मेरा एक दोस्त है उस्ताद फिदा हुसैन इलम नजूम का माहिर है और नगीनों वग़ैरह पर भी अथॉरिटी समझा जाता है हमारे काफ़ी पुराने तालुक हैं वो सोने चाँदियों की अंगूठियों और पत्रों वगैरह के लिए मेरे पास आता रहता है ये पत्रे क्या होते हैं ये सोने चांदी और मुख्तलिफ नरम धातों की तख्तियाँ सी होती हैं आमिल कामिल और नजू के माहिर हजरा इन धाती पत्रों पर मुख्त तो और अलवाहो तिलस्मत वगैरह खुंदा करते फदा हुसैन भी इसी सिलसिले में मेरे पास आता रहता है मैंने अपने हालात का उससे जिक्र किया तो उसने कहा कि मैं उसकी दुकान पर आऊं वो मेरा जायचा बनाकर देखेगा कि कहाँ खराबी है फिर उस्ताद ने तुम्हारा जायचा बनाया उस्ताद फदा ने तीन जायचे बनाए तीन किस-किस के एक जायचा मेरा दूसरा शैला का और तीसरा हमारी शादी का यानी मेरे और शैला के निकाह का जायचा फिर इन तीनों जायचों से उस्ताद ने क्या नतीजा बरामद किया वही जो तुम्हारा ख्याल है खटक यार पहेलियां ना बुझवाओ मैं मजाक नहीं कर रहा उस्ताद फिदा ने भी वही कहा है जो तुम्हारा ख्याल है यानी मेरे तमाम तर मसाइल का सबब शैलाए तुमने कहा है ना कि जब से मैंने दूसरी शादी की है मसाइल ने मेरे साथ दोस्ती गांट ली है देखो यार मैं कोई नजूमी या कोई पहुंची हुई शख्सियत नहीं हूँ मैंने तो बस रवादारी में ऐसी तुम्हारी दूसरी शादी का जिक्र कुछ नहीं कहा उसने बड़े ठोस और वाशिकाफ अल्फाज में पेश गोई की है कैसी पेशगोई उस्ताद ने बड़े वसूख से कहा है कि मैंने सही वक्त पर शादी नहीं की मुझे या तो एक साल पहले शादी कर लेना चाहिए थी या फिर तीन साल के बाद ऐसा कदम उठाना चाहिए था उसने शेला को मनहूस तो नहीं कहा लेकिन बड़े ठोस अंदाज में मुझ पर यह वाजे कर दिया है कि मुझे दो में से एक का इंत करना होगा दो में से एक का इंत क्या उस्ताद की दो से मुराद शैला और फरीदा है नहीं यार दो से उसकी है शैला और दुकानदारी यह क्या बात हुई यार रईस हाँ खटक यही बात है उस्ताद ने दो टोक अंदाज में फतवा दे दिया है कि दूसरी शादी और दुकानदारी एक साथ नहीं चल सकेंगे मुझे दोनों में से किसी एक को छोड़ना होगा ये मुश्किल वक्त मुझ पर मजीद ढाई साल तक रहेगा कुल तीन साल का बेड पैच है जिसमें से छः माह गुजर गए ढाई साल बाकी हैं। ये बड़ी अजीब बात बताई है उस्ताद ने अजीब भी और सोलह आने सच्ची भी अब खुद देख लो खटक मेरी दूसरी शादी को लगभग लगभग छह माह हो गए हैं और कमोबेश इतना ही अरसा दुकानदारी के जवाल का भी है धंधे को देख कर लगता है गाहक मुझसे खफा हो गए हर नया दिन गुजरे हुए दिन से ज्यादा खराब साबित हो रहा है अगर यही सूरत हाल मज़ीद कुछ अर्सा बहाल रही तो दुकान पर मजबूरन ताला डालना पड़ेगा रईस क्या तुमने उस्ताद फिदा की पेश गोई को दिलोजान से कबूल कर लिया है हाँ उसकी बात अकलन और अमलन दुरुस्त साबित हो रही है फिर तुमने क्या फैसला किया है दोनों में से किस को छोड़ रहे हो रईस ने बड़े मज़बूत अंदाज़ में कहा फैसला तो मैंने कर लिया है लेकिन तुमसे एक ज़रूरी मशवरा करना है इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ मैं हर मशवरे के लिए हाजिर हूँ यार लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने फैसला क्या किया है मैंने शैला के हक़ में फ़ैसला किया है गोया तुमने दुकान पर ताला लगाने का जहन बना लिया बिल्कुल ठीक समझे अब तुम मुझे मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठ सकता आखिर को घर बार वाला हूँ और वो भी दो दो घर लोगों के लिए तो एक घर के अखराज पूरे करना मुश्किल होता है जहांगीर रोड वाला घर तो मेरी जाती मलकियात है लेकिन तुम जानते हो सोल्जर बाजार वाले जिस फ्लैट में मैंने शैला को रखा हुआ है वो किराए का है अगर मैं अपनी दुकान को लपेट देता हूँ तो खुद सोचो मेरा गुजारा कैसे होगा अजमल गहरी सोच में डूब गया फिर पूछा यार रईस मुझे ठीक ठीक बताओ तुम्हारे उस्ताद फिदा ने कारोबार के हवाले से किन अल्फाज में पेशगोई की है उस्ताद ने बड़े वाजे अल्फाज में बताया है कि मैंने बहुत गलत वक्त पर शैला से शादी की है तीन साल का अरसा मुझ पर भारी है मुझे या तो एक साल पहले शादी कर लेना चाहिए थी या फिर तीन साल बाद करता खैर शादी तो अब हो चुकी उस्ताद की पेशगोई छः माह बाद सामने आई है उस्ताद का फरमाना यह है कि अगर शेला बीवी की हैसियत से मेरे साथ रहती है तो इन तीन साल में मैं जो भी काम करूंगा, वो बुरी तरह तबाह हो जाएगा ये तीन साल मेरे लिए फाइनेंशियल क्राइसिस के हैं जिनमें से छः माह गुजर गए हैं और ढाई साल बाकी हैं यार खटक अगर मैं शेला से शादी से लेकर अब तक के छः माह पर निगाह डालूँ तो उस्ताद की पेशगोई हरफ़ ब हरफ दुरुस्त नजर आती है मेरे जहन में ये बात अच्छी तरह बैठ गई है कि आगे भी वही होगा जैसा कि उस्ताद ने बताया अगर तुमने उस्ताद फिदा के अल्फाज को दिलो दिमाग पर नक्श कर लिया है तो फिर ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ वही होगा जिसकी तुम तो कर रहे हो बहरहाल तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मैंने अपने मौजूदा हालात से तुम्हें तफसी आगाह कर दिया तुम मुझे मशवरा दो कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए एक बात तो तय है रईस उस्ताद फिदा की पेशगोई की रोशनी में तुमने अपना जो जहन बना लिया है इसके साथ तुम जिस काम में भी हाथ डालोगे तुम्हें नुकसान ही उठाना पड़ेगा तुम्हारा ज्वेलरी का काम बुरी तरह तबाह हो रहा है ये दुकान बंद करके तुम कोई और धंधा शुरू करते हो तो मखसूस जहन और सोच के साथ नए धंधे में भी तुम कदम जमा नहीं पाओगे लिहाजा मेरी नज़र में तो सिर्फ़ एक ही रास्ता बाकी रह जाता है कौन सा रास्ता महफूज इन्वेस्टमेंट मेरे जहन में भी कुछ ऐसी सोच है मैंने इस सिलसिले में उस्ताद से भी पूछा था उनका कहना है कि अगर मेरा सरमाया किसी और शख्स के इस्तेमाल में रहेगा तो फिर नुकसान का अंदेशा नहीं मैं चाहता हूँ कि ढाई तीन साल के लिए अपना कुल सरमा किसी के काम में लगा दूँ और आराम से बैठ जाऊँ मगर समझ में नहीं आ रहा ऐसी ईमानदार पार्टी कहाँ तलाश करूँ जो मेरे सरमाए के साथ और मेरे साथ कोई चार सौ बीसी ना करे तुम तो जानती हो खटक कि आजकल हर काम में किस कदर धोखा और फ्रॉड हो रहा है हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार तुम अपनी रकम रकम को बैंक में दो या तीन साल के लिए फिक्स क्यों नहीं करा देते इस रकम पर तुम्हें हर माह माकूल मुनाफा मिलता रहेगा और सरमाया भी बिल्कुल महफूज रहेगा नहीं बिल्कुल नहीं वजह इसमें कोई शक नहीं कि फिक्स डिपॉजिट की रकम हर तरह से महफूज रहेगी लेकिन मेरे इनकार की दो बड़ी वजुहत हैं नंबर एक बैंक का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है इसमें मेरे दोनों घर नहीं चल सकेंगे नंबर दो मैं बैंक से हासिल होने वाले मुनाफे को ठीक नहीं समझता हूँ मेरे नज़दीक ये सीधा सीधा सूद होगा जो हरगिश्त जायज़ नहीं है हाँ यार ये मसला तो बहरहाल है अगर तुम इस अंदाज में सोचते हो तो फिर बैंक में रकम रख रक कर मुनाफ़ा लेना ठीक नहीं होगा क्या मेरी ये सोच गलत है मैं लत और सही की बहस में नहीं पढ़ना चाहता यार हर इंसान अपने जहन और अंदाज से सोचता है कुछ लोग बैंक से हासिल होने वाले मुनाफे को जायज़ समझते हैं और कुछ नाजायज़ बहरहाल अगर तुम बैंक में रकम रख रक कर मुनाफा हासिल करने को ठीक नहीं समझते तो फिर तुम्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए तुम्हारे तो लिए मुनासिब यही होगा कि किसी साख वाले ईमानदार शख्स के चलते हुए बिज़नेस में अपनी रकम इन्वेस्ट कर दो और प्रॉफ़िट लॉस की बुनियाद पर उसके साथ पार्टनरशिप कर लो मैं भी यही चाहता हूँ और इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि मुझे किसी ऐसे खड़े और ईमानदार बिजनेस के बारे में बताओ जहाँ सरमायाकारी से मेरी रकम भी महफूज रहे और मुझे जायज़ मुनाफ़ा भी मिलता रहे तुम कितनी रकम इन्वेस्ट कर सकते हो अगर मैं अपनी सदर वाली दुकान और उसके अंदर मौजूद तमाम माल को फरोख्त कर दूँ और उसके अंदर कैश इन हैंड को भी शामिल कर लूँ तो कम अज़ कम पच्चीस लाख रुपये निकल आएंगे ये अच्छा हादसा हैंडसम अमाउंट है इस पर तुम्हें इतना मुनाफ़ा ज़रूर मिल जाएगा जो तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा करने के बाद सेविंग के लिए भी बच जाए लेकिन ऐसी हैवी इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करना चाहिए यार मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ अगर मेरा दिमाग काम कर रहा होता तो फिर मैं तुमसे क्यों पूछता गोया तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई बिजनस मैन नहीं है नहीं मुझे किसी पर भरोसा नहीं बिज़नस मैन तो बहुत हैं लेकिन मुझे उन पर अतम नहीं है मैं इतनी भारी रकम के लिए रिस्क नहीं ले सकता तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ रकम इन्वेस्ट करनी चाहिए तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हो रईस दोस्त जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए ही तो होते हैं परेशानी के इन लम्हात में भी तुम मेरे काम नहीं आओगे तो फिर कब आओगे मैं तुम्हारी मदद से इनकारी नहीं हो रही बात दरअसल यह है कि अगर तुमने मेरे मशवरे पर कहीं रकम लगा दी और ख़ुदा ना खास्ता बाद में कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर तो फिर कुछ भी नहीं मैं इसे अपना नसीब समझ लूँगा मुझे तुम पर पूरा एतबार है खटक तो मुझे जो भी मशवरा दोगे वो मेरी भलाई के लिए ही होगा ठीक है मुझे चंद दिन का वक्त दो मैं सोच कर तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें कहाँ सरमाया लगाना चाहिए रईस मतमिन होकर अजमल के ऑफ़िस से वापस आ गया आज के लिए बस इतना ही अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त जा रहे हैं खुश रहें शादो आबाद रहें हंसते मुस्कुराते रहें अल्लाह हाफिज अल्लाह ने